जम्मू कश्मीर में पाक की आतंकी साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने ऑपरेशन धनुष 2 के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है, जिसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। घाटी के अमन में खलल डालने के लिए पाकिस्तान आतंक का खेल खेलने से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब सेना ने आतंकी साजिश पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन धनुष 2 के तहत सेना ने 14 जुलाई को न सिर्फ एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, बल्कि 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर किया, जिसमें ये कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 9 मैगजीन के साथ 3 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन के साथ 4 पिस्तौल, 6 हथगोले, सिगरेट और पाकिस्तानी ब्रांड के फूड आइटम्स बरामद किए हैं। क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार है और सतर्क है। सेना के अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारी हथियारों से भारतीय सेना को निशाना बनाकर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को भारी कवर फायर दिया। इस पर भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। सेना के मुताबिक LOC पार लॉन्च पैड पूरी तरीके से चालू है और पाकिस्तानी सेना इन शिविरों में काम कर रहे आतंकवादियों को रसद और सैन्य मदद कर रही है। इसको लेकर सेना ने जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है। आतंकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए सेना पिछले एक महीने के दौरान LOC के पास आतंकी गतिविधियों का पता लगाने के बाद ही धनुष 2 के नाम से चल रहा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर से भारत एक्सप्रेस के लिए विकास अबरोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।